गोपालगंज में होली पर्व को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला मुख्यालय में सदर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की। बता दें कि ये फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकाला गया और इसका समापन शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर कलेक्ट्रेट में हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान आम लोगों से शांति के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि त्यौहार में खलल डालने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। फ्लैग मार्च हम लोग पूरे शहर में करेंगे और सुदूर क्षेत्र में भी करेंगे। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य यही है कि होली पर्व जो है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और इसी के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्पॉट्स भी चयनित किया गया है किस चीज़ के लिए? शांतिपूर्ण के लिए या फिर कहीं सेंसेटिव जगह भी चयनित किया गया है? हाँ, सेंसेटिव जगह चयनित किया गया है। पूरे अनुमंडल में 200 से अधिक सेंसेटिव जगह चिन्हित किया गया है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनिधि की गई है। हमारे पास BSF की टीमें हैं, साथ ही साथ होली को देखते हुए मुख्यालय से हम लोगों को और भी टीमें मिली थी, तो इसमें काफ़ी टीमें हम लोगों को मिली हुई हैं। और जैसा कि SDM साहब ने बताया आप लोगों को, 200 से ज़्यादा सेंसिटिव स्थलों को चयनित किया गया है जिस पर पुलिस फोर्स की डेपुटेशन है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी है। और हम लोग होली के पूरे त्यौहार के लिए एकदम कम्प्लीटली तैयार हैं और जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके लिए हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।